नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज़। देखिए, कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर गए थे। वहां पर उनकी मुलाकात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई। इस मुलाकात से पहले जब नीतीश कुमार बिहार से रवाना हुए तो कई तरह के अफवाहों का बाजार गर्म हो गया, कई तरह के संशय यहाँ पर पैदा होने लगे थे, जिसमें यह कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार जब यहाँ से दिल्ली गए हैं तो हो सकता है कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो, या फिर बिहार में जो 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है उसको लेकर कोई बातचीत हो। लेकिन नीतीश कुमार जब वहाँ से लौटे तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमने इन सभी मुद्दों पर बातचीत नहीं की है, बस हम लोग के बीच सब कुछ ठीक है, यही सब साधारण सी एक मुलाकात करने के लिए गए थे। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हमारी मुलाकात हो गई प्रधानमंत्री जी से, क्या बातचीत हुई सर प्रधानमंत्री, क्या बातचीत हुई? और मुलाकात हो गई और सब लोगों से बातचीत हो गई, और जो हम लोग एक साथ हुए थे तो वहीं से बात बात हुई थी, ये बात हो गई थी, आज सब लोगों से मिल लिए, बहुत अच्छा है। और अब आपको इतना सुन, हम इतना ही खाली बता देना चाहते हैं कि अब हम लोग जो पहले से श्रद्धेय अटल जी के टाइम से, आप समझ लीजिए 1995 से जो साथ में थे, आप बीच में दो बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। अब बीजेपी जेडीयू के बीच में सब कुछ सही है सर, दोनों पार्टियों के बीच में जो थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई थी सब कुछ सही हो गई। 2019 का ही फॉर्मूला रहेगा सर, 2019। चलिए सब बाद में बताएंगे, सीट जेडीयू बीजेपी में सब कुछ ठीक है ना, सीट वगैरह की बात के बारे में चर्चा करने का कोई तुक नहीं है, वो तो सब होगी ही, और सब बात सबको उन लोगों को शुरू से मालूम है, बाकी सब चीज का कोई खास बात तो सुना आपने किस प्रकार से नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि हम किसी भी सीट शेयरिंग की बातचीत को लेकर नहीं गए थे और सीट शेयरिंग जो है वो सही समय पर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार ने एक बात कही है कि हम बीच में दो बार इधर उधर हो गए थे लेकिन अब कहीं नहीं जाना है। नीतीश कुमार चर्चा कर रहे थे अपने पलटी मारने को लेकर, इसमें नीतीश कुमार ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी के काल से 1995 से हम लोग उनके साथ हैं, लेकिन बीच में एक दो बार हम इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, अब हम यहीं रहेंगे। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा जय जिंद के साथ। धन्यवाद।